नमस्कार सभी किसान साथियों को, एक बार फिर हाजिर आपकी सेवा में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि सभी किसान भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे किसान मेले का, तो एक खुशखबरी निकल के आई है। जो सितंबर में हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो किसान मेला होने वाला था, वो स्थगित करके आगे उसकी डेट डाल दी गई थी। आज उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। उसकी डेट जो निकल के आई है वो है अक्टूबर में 8, 9 और 10 अक्टूबर। 3 दिन ये मेला लगने वाला है, 8, 9 और 10 अक्टूबर को, रविवार, सोमवार और मंगलवार को। तो सभी किसान साथी जो बेसब्री से किसान मेले का इंतज़ार कर रहे थे, वो यहाँ आकर विभिन्न प्रकार के बीज जो कि HOE ने अभी अभी नए सरसों के और गेहूं के निकाले हैं, वो खरीद सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्टालें आपको वहाँ मिलेगी, जो HOE का जो पशुधन से संबंधित जानकारी है वो वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी स्टाल लगाएंगी। तो जो भी किसान साथी इच्छुक है मेले में आने का, वो एक बार ज़रूर मेले में आए और अपनी जानकारी को साझा करे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर साल रबी के सीज़न में और खरीफ के सीज़न में किसान मेला आयोजित करवाता है HOE। हिसार के अंदर ये मेला आयोजित किया जाएगा, जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। तो जो किसान साथी मिट्टी और पानी की जांच करवाना चाहता है, वहाँ पे उसके लिए लैब बनाई गई है, मिट्टी और पानी लाकर अपने उसकी जांच करवा सकता है। जो किसान साथी बीज खरीदना चाहता है, वहाँ पर उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की कंपनियों के बीज भी उपलब्ध हैं। HOE द्वारा जो बीज तैयार किए गए हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने प्रदर्शन की स्टाल लगाई हुई हैं, वहां पर आपको ड्रोन, एग्रीकल्चर के जो अलग से यंत्र हैं वो सभी आप वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो जो किसान साथी इसमें आने का इच्छुक है, वो 8, 9, 10 अक्टूबर को वहां पर आ सकता है। और जो भी उसको जानकारी चाहिए किसान की, जो भी समस्याएँ हैं मिट्टी पानी की वो, और जो बीजों से संबंधित समस्याएं हैं बीज की प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसानों को जो पशु संबंधी समस्याएं होती है, बीमारी होती है, उसके लिए भी दवाइयों के लिए अलग अलग प्राइवेट कंपनियों द्वारा स्टाल लगाई गई हैं। तो जो साथी यहाँ आने का इच्छुक है 8, 9 और 10 अक्टूबर को वहाँ पर आ सकता है। तो सभी किसान साथियों से निवेदन है, एक बार मेले में ज़रूर आए और अपने विचार दूसरे किसानों के साथ साझा करें, अपनी जानकारी को दूसरे के साथ साझा करें। किसी चीज़ की समस्याएं है मिट्टी पानी या बीज से, तो वो HOE के स्टाफ से या जो कंपनियां वहां पे आई है उनके साथ साझा करके आप उसका निवारण पा सकते हैं। ये जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पहले जो पिछले साल 2022 में रबी का जो किसान मेला हिसार में लगा था वो आप देख रहे हैं। इसी तरह अब की बार 2023 में ये सितंबर माह में इसका मेले का आयोजन किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश से इसको स्थगित करके अक्टूबर में कर दिया गया है। तो खुशखबरी यही है कि 8, 9, 10 अक्टूबर को, रविवार, सोमवार और मंगलवार को आप किसान प्रदर्शनी मेले में आ सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जो किसान साथी सरसों और गेहूं की बिजाई का इंतज़ार कर रहे थे कि बीज कहाँ से लें, वो साथी इस मेले में आकर गेहूँ सरसों का बीज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान साथी कृषि यंत्र खरीदना चाहते थे, वो साथी भी यहाँ आकर अपने विभिन्न जो कंपनियाँ आई हुई उनके कृषि यंत्र देख के, उनसे अच्छे से परख के आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और दूसरी विशेष बात, किसान मेले के अंदर जो कृषि यंत्र और जो बीज होते हैं उसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट होता है, तो आप यहाँ आकर अपने कृषि यंत्र को बुक करवा के उस पर स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा बीज का जो मार्केट रेट है वहाँ पर किसान मेले के अंदर इसको थोड़ा सा कम रेट पर बेचा जाता है। साथ में जो HOE का स्टाफ है उसके द्वारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है उसकी झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो किसान साथी पशु पालन करते हैं उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की स्टालें पशुओं के लिए लगाई गई हैं, ताकि वह पशुओं के जो समस्याएँ हैं उनके बारे में वहाँ पर पता कर सके, दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जो किसान साथी कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ज़रूर एक बार हिसार HOE यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है, उसके अंदर 8, 9, 10 अक्टूबर को जो मेला लगने वाला है वहाँ पर आए और जो अपनी जानकारी चाहता है किसान भाई, जिस चीज़ में उसको समस्या आ रही है वहाँ पर आकर उसका निवारण पा सकता है। और प्लस में आप मिट्टी और अपने पानी की जाँच करवा सकते हैं। कई बार मिट्टी और पानी के अंदर समस्या होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती, तो उससे भी आप आकर जो मिट्टी पानी के सैंपल लेके वहाँ पर जांच करवा सकते हैं, जिससे आपको उचित जो समस्या है उसका पता चलेगा।
इसके अलावा जो कृषि यंत्र है विभिन्न प्रकार के, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर उनको बुक करवा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो किसान साथी कृषि मेले के अंदर आना चाहता है, किसान मेले के अंदर आना चाहता है, वो उचित समय के ऊपर आ जाए। 8 अक्टूबर रविवार के दिन इसका शुभारम्भ होने वाला है और 10 अक्टूबर को ये लास्ट दिन रहेगा। 10 अक्टूबर को इसका समापन है। तो आप सभी उचित समय पर यहाँ पर पधारें और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपको ख़रीदारी करनी है, वो यहाँ आकर कर सकते हैं। और जिन किसान साथियों को सरसों और गेहूं की जो अलग अलग वैरायटी है HOU द्वारा तैयार की गई है, उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो HOU की अलग से जो स्टाल लगती है उसके ऊपर आप बीज भी खरीद सकते हैं और उसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेले में पधारें और अपने विचार कमेंट में दें। आगे की जो भी जानकारी होगी आपके साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद।